हे व्हाट इज अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल, वेलकम बैक टू आवर सर्वाइवल सीरीज, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो गाइस, यार स्वागत है आप लोगों का मेरी सर्वाइवल सीरीज की एक और नई वीडियो में। एंड गाइस, ये होने वाला है पार्ट टू। पार्ट वन जिसने भी नहीं देखा वो जाके देख लेना। पार्ट टू हम लेके आए हैं गाइस, और वहाँ पे आप पीछे मेरा घर देख रहे होंगे भाई, बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाया मैं उसको, थोड़ा रेनोवेट कर दिया, अभी आपको दिखाऊंगा। एंड गाइस, आज की इस वीडियो में ये गड्ढा किसने खोल दिया वे भाई, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है यार, मेरा पूरा सामान चला गया होगा, रुक जाओ मैं वापस लेके आता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो ये थी वो केव, इसमें मैं मरा था गाइस, मेरे को मेरा सामान वापस चाहिए यार। ओ भाई, नहीं 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 वो बच गया भाई मेरा, मैं तो सामान ही नहीं लेके आया था भाई। गाइस, अभी आपने देख ही लिया होगा मैं आते से ही मर गया अपने सर्वर वर्ल्ड में। ये रहे हमारे माइंड बॉय भाई से हाय हाय ब्रो। माइंड बॉय भाई, ये मेरा घर है, आप तो छोड़ के चले गए थे, मेरे को मेहनत करनी पड़ी थी, मैंने ये बहुत मुश्किल से बनाया है। गाइस, मैं आपको घर का छोटा सा टूर दे देता हूँ। यहाँ पे है हमारा घर, यहाँ पे थोड़ा सा मैंने छत पे काम किया है, एंड आई साइड से मैंने यहाँ पे आजू बाजू से मैंने यहाँ पे थोड़े से स्ट्रिप्ड वाले चेरी ब्लॉसम के पेड़ लगा दिए हैं, आई मीन वुड टाइप। एंड यहाँ से अंदर से ये कुछ ऐसा है, ये दोनों मैंने विलेजर के घर में से लूटे थे। तो भाई, बाकी सारी बकवास अपन बंद करते हैं, मैं आपको वीडियो समझा देता हूँ आज की वीडियो का टॉपिक क्या होने वाला है। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। सो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम जो है करने वाले हैं माइनिंग। बिकॉज गाइस, आपने अभी देख ही लिया है मेरे साथ कितना गंदा हादसा हो गया है, अगर मैं आयरन का आर्मर के साथ होता तो मैं शायद बच भी जाता। तो गाइस यार, आज की इस वीडियो में हम यही करने वाले हैं, अपने लिए बनाने वाले हैं एक आयरन का आर्मर, एंड माइंड बॉय भाई के लिए भी बना ही देंगे। तो चलिए गाइस, मैं आपको बता देता हूँ कि वीडियो कैसी टाइप की होने वाली है, तो आप इंजॉय करिए इस छोटे से एग्जाम्पल को। तो ओके गाइस, आयरन माइनिंग के लिए हम दो मेथड का यूज़ करेंगे। तो पहली मेथड का नाम है मतलब स्ट्रिप माइनिंग। गाइस, स्ट्रिप माइनिंग करके भी हम अच्छे खासे अमाउंट में आयरन को ले सकते हैं। तो गाइस यार, स्ट्रिप माइनिंग करके हम आयरन को लेंगे। एंड गाइस, मैंने ये प्लान बनाया है कि माइंड बॉय भाई कर लेंगे स्ट्रिप माइनिंग, एंड मैं कर लूँगा यहाँ पर एक नॉर्मल माइनिंग। मतलब गाइस, सेकेंड मेथड ये है कि मैं करूँगा जो नॉर्मल माइनिंग होती है केव एक्सप्लोरेशन वाली, तो मैं केव एक्सप्लोरेशन वाली माइनिंग करूँगा, एंड माइंड बॉय भाई करेंगे नॉर्मल स्ट्रिप माइनिंग। एंड हमको जितने भी आयरन मिलेंगे हम आपको एंड में बताएंगे, एंड तब आपको पता चलेगा कि कौन सी माइनिंग बेस्ट है। तो गाइज यार, आप भी इस वीडियो में बने रहो, एंड बाकी गाइज इस वीडियो को पूरा देखना, ये दोनों ही मेथड बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, आपको भी आयरन माइनिंग के अच्छे से ट्यूटोरियल मिल जाएंगे। और ये वीडियो हमारी सर्वर सीरीज की पार्ट टू है, पार्ट थ्री भी जल्दी आएगा। तो ओके गाइस, आपको समझ में आ गया होगा कि आप क्या मैं आप मतलब हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए उस काम को शुरू करना चालू कर देते हैं। तो गाइस यार, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम बहुत सारे पिकेक्स बना देने वाला हूँ, क्योंकि भाई मैंने इस वीडियो को दो पार्ट में डिवाइड करा है, पहला स्ट्रिप माइनिंग करके और दूसरा मैनुअली केव एक्सप्लोरेशन वाली माइनिंग करके। तो गाइज यार, पिकैक्स तो चाहिए ही रहेगी, तो मैं यहाँ पे जितनी हो सके उतनी पिकैक्स बना देता हूँ, चार बन चुकी हैं। यहाँ पे से मैं दो माइंड बॉय भाई को देता हूँ, एंड दो मैं खुद रख लेता हूँ। ये लीजिए माइंड बॉय भाई, आपकी पिकैक्सेस। तो ऑलराइट गाइज, मैंने सारा का सारा सामान जमा कर लिया है, मैं ज़्यादा कुछ कलेक्ट नहीं करा, बस पिकैक्स है और थोड़ी टॉर्चेस एंड फूड है। एंड भाई, माइंड बॉय भाई ने सोचा है कि वो करेंगे स्ट्रिप्ड माइनिंग, एंड मैं करूँगा केव एक्सप्लोरेशन वाली माइनिंग। भाई हमको देखते हैं एक घंटे के अंदर अंदर कितना आयरन मिलता है, एंड भाई तब आपको बताएंगे कि कौन सी माइनिंग बेस्ट है। तो गाइज यार, मैं आपको मिलता हूँ एक अच्छी सी केव ढूंढने के बाद। One eternity later. गाइज, मेरे को यहाँ पे एक अच्छी सी केव तो मिल गई है, एंड भाई यहाँ पे बारिश हो रही है यार, मेरे को बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा गंदा लगता है रियल लाइफ में भी और माइनक्राफ्ट में भी। तो गाइज यार, मैं थोड़ा इस केव को थोड़ी सी लाइट अप कर दूँ, एंड भाई मेरे को यहाँ पे थोड़े से बैट दिख रहे हैं, एंड भाई यहाँ पे लैग भी बहुत हो रहा है भाई, लैग को आप फिक्स मतलब सॉरी गाइज, लैग को आप थोड़ा साइड में रख दीजिएगा। एंड भाई मेरे को मेरा पहला आयरन मिल भी चुका है। तो चलिए गाइज, अभी आप एक मॉन्टेज को आप इन्जॉय कीजिए। और गाइज, तो माइंड बॉय भाई यहाँ से नीचे स्ट्रेट डिग डाउन माइनिंग कर रहे हैं। गाइज मैंने गूगल करा है, माइनस मतलब सिक्स ज़्यादा आयरन मिलता है, एंड हम भी यहाँ पे अपनी केव एक्सप्लोरेशन वाली माइनिंग को कंटिन्यू करते हैं गाइस। रन गाइस,
मेरे को यहाँ पे डायमंड मिला है, पर अभी अपन इसको माइन नहीं कर सकते, मेरे पास कोई आयरन की पिकैक्स नहीं है। लेकिन भाई हम आगे आके मतलब फ्यूचर में इसको माइन करके जाएंगे भाई। अभी मैं घर चलता हूँ भाई, माइनिंग हो गई बहुत ज़्यादा। मैं घर जाके बताऊंगा कि गाइस हमको स्ट्रिप माइनिंग से और नॉर्मल माइनिंग से कितने आयरन मिले। तो चलिए गाइस जल्दी से घर चलता हूँ, मैं आपको बिना किसी देरी के घर पहुँचा देता हूँ। गाइस तो मैं यहाँ पे ऊपर आ चुका हूँ, लेकिन मैं यहाँ पे माइंड बॉय भाई को लेने आया हूँ। बेचारे अभी तक गड्ढे के अंदर ही हैं। वो देखो गाइस ऊपर आ रहे हैं, आ जाओ माइंड बॉय भाई, चलते हैं घर की तरफ। ओके गाइस जब तक माइंड बॉय भाई ऊपर आ रहे हैं, आप ये बताओ हमको कितने आयरन मिले होंगे हम दोनों को। तो गाइस ये जल्दी से कमेंट करो और बताओ हमको कितने आयरन मिले होंगे। जिसको भाई जिसका कमेंट सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट होगा उसको भाई मैं शाउट आउट दूंगा अगली वीडियो में गाइस पक्के में। तो गाइस अभी जाओ कमेंट करो और बताओ हम लोगों में से किसको कितने आयरन मिले हैं। तो जाओ। ओके भाई माइंड बॉय भाई आ चुके हैं, चलो माइंड बॉय भाई चलते हैं अपने घर पे। और भाई हम लोग घर जा रहे हैं, बाप को बताएंगे कि कितने आयरन हो गए हैं हमारे पास, लेकिन उससे पहले आप कमेंट कर दीजिए। ओके भाई, 1 eternity later. भाई न जाने कितने दिनों से ऊपर का आसमान नहीं देखा था भाई, मैंने आपको मॉन्टेज में दिखा दिया, पर भाई हमको 1 घंटे से भी ज़्यादा हो गया है केव में। तो गाइस यार अब चलते हैं अपने आयरन को गिनते हैं हमको कितना आयरन मिला है। तो ओके गाइस आर यू रेडी। गाइस इसमें हैं हमारे सारे के सारे आयरन, देखते हैं किसको कितने आयरन मिले होते हैं। लेकिन भाई अभी आप कमेंट करिए जाके इन 1 2 3, और भाई सॉरी सॉरी, इन 1 2 3। तो गाइस यार यहाँ पे मेरे को मिले हैं 40 आयरन एंड यहाँ पे माइंड बॉय भाई को मिले हैं 36 आयरन। तो भाई काइंड ऑफ देखा जाए तो स्ट्रिप माइनिंग भी ज़्यादा बुरी नहीं है, लेकिन भाई आपको फ़ायदा सिर्फ केव एक्सप्लोरेशन वाली माइनिंग से ही मिलेगा। तो माइंड बॉय भाई आपके पास कोल है क्या, मेरे को थोड़ा कोल दो, अपन को अपना आयरन का सेट भी कंप्लीट करना है। तो भाई जब तक हमारे आयरन स्मेल्ट हो गए थे हमने डांस करने का सोचा, एंड भाई माइंड बॉय भाई तो यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा गजब तरीके से नाच रहे थे। वाह 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 भाई मैं भी नाचता हूँ यहाँ पे। गाइस यहाँ पे हमारा आयरन का आर्मर बनके तैयार हो चुका है, मैं आपको इसको पहन के दिखाता हूँ। 1 2 3 एंड 4। भाई चेक दिस आउट क्या लग रहा है भाई, आप भी पहनो ना। चेक दिस आउट भाई क्या लग रहा है भाई, कितना सुंदर लग रहा हूँ मैं इस आयरन आर्मर में भाई। भाई जिसने भी लाइक नहीं किया भाई दबा के लाइक ठोक दीजिए, भाई दबा के लाइक ठोक दो। ओके गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन टेक केयर, गुड बाय। लाइक नहीं करा लाइक कर देना, सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब कर देना। एंजॉय, गुड बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।